हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या है। अ डिजिटल फुटप्रिंट इज द इम्प्रेशन यू क्रिएट ऑन इंटरनेट। डिजिटल फुटप्रिंट वो इम्प्रेशन है, वो प्रभाव है जो आप इंटरनेट पे क्रिएट करते हो थ्रू योर ऑनलाइन एक्टिविटी, अपने ऑनलाइन एक्टिविटी के थ्रू, राइट, विच इंक्लूड्स ब्राउजिंग, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, आपका सर्चिंग इंक्लूड होती है, किस टाइप का डेटा आप सर्च कर रहे हो, ब्राउज कर रहे हो, इंटरेक्शन विद अदर्स, आप सोशल मीडिया साइट्स पे जो इंटरेक्शंस करते हो वो इंक्लूड होता है, पब्लिकेशन ऑफ कंटेंट, आप जब अपना खुद का कंटेंट पब्लिश करते हो वो भी क्या है, वो भी एक इंप्रेशन क्रिएट करता है, राइट, जिसको डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है। ओके, इन अदर वर्ड्स इट इज द ट्रेल ऑफ डेटा इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल यू लीव बिहाइंड व्हाइल सर्फिंग द इंटरनेट। तो ये क्या है, ट्रेल ऑफ डेटा है, सीरीज ऑफ डेटा है जो आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इंटरनेट पर छोड़ देते हैं जब आप इंटरनेट को क्या करते हैं, सर्फ करते हैं, राइट। सर्फ करना मतलब आप उस पर एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ब्राउज करते हैं, राइट। तो जब आप कुछ भी करते हैं इंटरनेट पे तो क्या होता है, कुछ ना कुछ आप इम्प्रेशन वहाँ पर छोड़ रहे हैं और वो इम्प्रेशन क्या कहलाता है, डिजिटल फुटप्रिंट। Now we have types of digital footprint. There are two main classification of digital footprints. Digital footprints two types के होते हैं, active digital footprint and passive digital footprint. Okay? Active digital footprint क्या है, information knowingly shared or collected. जो information आप knowingly जानते हुए share कर रहे हो internet पर या collect कर रहे हो, like आपने social media पर अपनी pics को क्या किया, post किया, तो ये क्या है, आपका active digital footprint. राइट, आप जानते हो आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, राइट। एंड सेकंड क्या है, आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट योर अवेयरनेस और परमिशन, जो इन्फॉर्मेशन आपके बिना परमिशन के कलेक्ट की जाती है, ओके, आप उस इन्फॉर्मेशन के बारे में अवेयर नहीं होते, वो क्या होता है, आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट होता है, राइट। First we have active digital footprint. An active digital footprint can be defined as intentional data trail. Active digital footprint को intentional data trail भी कहा जाता है। ये वो data है जो कोई भी person intentionally internet पर छोड़ता है, okay? That an individual leaves behind intentionally, okay? तो ये यहाँ पे active digital footprint वो series of data है जो individual जानते हुए इंटेंशली इंटरनेट पर छोड़ता है, सच एज फेसबुक, ट्विटर एंड ब्लॉग पोस्ट, जैसे फेसबुक पे इंटरेक्ट करना, ट्विटर पे ट्वीट करना, ब्लॉग पोस्ट, ओके, ब्लॉग पोस्ट डालना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कनेक्शंस क्रिएट करना, इमेज एंड वीडियोस को अपलोड करना, ईमेल करना, फ़ोन कॉल्स करना, राइट, फ़ोन कॉल्स क्या, ऑनलाइन फ़ोन कॉल्स, राइट, एंड वीडियो चैट, ऑडियो चैट एंड आपका टेक्स्ट चैट करना, ओके, आर अमंग द वेज पीपल क्रिएट एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। तो यहाँ पे जो डेटा इंटरनेट पर जो ट्रेल ऑफ डेटा रह जाता है, ओके, तो वो कौन सा होता है, वो आपका एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है, फाइन। यहाँ पे पर्सन को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, राइट, वो खुद से ये डेटा इंटरनेट पर क्रिएट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट वी हैव पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। अ पैसिव फुटप्रिंट इज डिफाइंड एज द अनइंटेंशनल ट्रेसेस। तो पैसिव फुटप्रिंट क्या है, अनइंटेंशनल डेटा है जो कोई भी इंडिविजुअल अननोइंगली इंटरनेट पर क्रिएट करता है, डेट एन इंडिविजुअल क्रिएट्स ऑन द इंटरनेट अननोइंगली, ओके। जैसे इसके एग्जांपल्स देखेंगे, यूजिंग एप्स एंड वेबसाइट्स, उन एप्स और वेबसाइट्स को यूज़ करना जो क्या यूज़ करती हैं, जियो लोकेशंस यूज़ करती हैं टू पिन पॉइंट अ यूजर्स वेयर अबाउट्स, ये जानने के लिए कि उस पर्टिकुलर यूज़र की लोकेशन क्या है, फाइन, ओके। तो अगर आप ऐसी ऐप्स या वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं तो वो वेबसाइट्स क्या करेंगी, वो ऐप्स क्या करेंगी, आपकी लोकेशन को सेव कर लेंगी, राइट, ओके। ब्राउजिंग प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स को ब्राउज करना डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके, जैसे आप क्या करते हो, फ्लिपकार्ट से आप क्या करते हो, परचेजिंग करते हो, या फिर आप अमेजोन, डिफरेंट आपकी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप प्रोडक्ट्स को बाय करते हो, राइट। तो इन दिस केस क्या होगा, विच एडवर्टाइजर्स कंपाइल एंड एनालाइज टू प्रोफाइल यू। यहाँ पे क्या होता है, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो आपको आपकी ब्राउजिंग देखते हैं कि आप किस टाइप का डेटा ब्राउज करते हो, ओके, और उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर देते हैं, ओके।
अब क्वेश्चन है, हाउ डू वी लीव डिजिटल फुटप्रिंट? आप कैसे डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करते हो इंटरनेट पर? ओके, आप अपना कैसा सीरीज ऑफ डेटा छोड़ते हो इंटरनेट पर? तो यहाँ पे बहुत सारे वेज हैं, दिस हैपन्स इन मैनी वेज, हेयर आर सम ऑफ देम। तो इसमें से कुछ हम देखेंगे। जैसे आप सोशल मीडिया साइट्स पर क्या करते हो, पोस्ट करते हो, पोस्टिंग ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो अगर आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आप उन पर क्या कर रहे हो, पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आप अपना डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट कर रहे हो। ओके, फिलिंग आउट द ऑनलाइन फॉर्म्स, जब आप ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करते हो, सच एज व्हेन साइनिंग अप टू रिसीव द ईमेल्स और टेक्स्ट, जब आप अपने मैसेजेस ईमेल्स को रिसीव करने के लिए अपने ईमेल अकाउंट को साइन अप करते हो। ओके, एग्रीइंग टू इंस्टॉल कुकीज ऑन योर डिवाइस व्हेन प्रॉम्प्टेड बाय द ब्राउजर। समटाइम्स क्या होता है, कुछ वेबसाइट्स आपको मैसेज भेजती हैं, ओके, जो एग्रीमेंट मैसेज होते हैं कि आप एग्री करो कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट आपके सिस्टम पर कुकीज को इंस्टॉल कर सकती है, राइट? तो वहां पे अगर आपने क्या किया, उस पर टिक कर दिया, उसके मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके सिस्टम्स पे कुकीज वो इंस्टॉल कर देंगे। कुकीज क्या होगा, वो आपका कंप्लीट डेटा, जो भी आप सर्च कर रहे हो इंटरनेट पे, वो सारा उन कुकीज में जाके स्टोर होता रहेगा। तो ये किस टाइप का फुटप्रिंट क्रिएट होगा, ये पैसिव आपका डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करेगा, राइट? Now we have tips to manage your digital footprint. आप अपने digital footprints को कैसे manage कर सकते हैं? Treat your password like your toothbrush. Don't share it with anyone and change it often. अपने password को अपने toothbrush की तरह treat करो, उसे किसी के भी साथ share मत करो और उसको जल्दी, मतलब most often उसको change करते रहो, right? उसको जल्दी जल्दी change करते रहो। Always remember to log off when you have finished with an online service. जब भी आप कोई online service यूज़ करते हो, राइट, जैसे आपने अपना ईमेल अकाउंट यूज़ किया, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको लॉग ऑफ कर देना चाहिए, लॉग आउट कर देना चाहिए, जैसे ही आपका काम फिनिश हो जाता है। यूज़ योर ओन डिजिटल फुटप्रिंट्स टू रिमेंबर योर फेवरेट वेबसाइट्स। अच्छा, अपने खुद के डिजिटल फुटप्रिंट्स को यूज़ करो अपनी फेवरेट वेबसाइट्स को रिमेंबर करने के लिए। और आपके खुद के डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या हैं, आपके हिस्ट्री बटन, राइट? आप ब्राउज़र के हिस्ट्री बटन में जाके अपनी फेवरेट वेबसाइट्स को फिर से ओपन कर सकते हो। आपके बुकमार्क्स, राइट, बुकमार्क्स की हेल्प से आपका जो भी डेटा आप दोबारा से सर्च करना चाहते हो, आप बुकमार्क्स की हेल्प से उनको रिसीव कर सकते हो, उनको अपने ब्राउज़र से ब्राउज़ कर सकते हो, राइट? Remember that most of the website you visit will make a note of your visit and may also track the websites you visit before and after the website. तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि हमेशा याद रखो, जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो वो क्या नोट करती है, वो आपके विजिट को नोट करती है और वो ये भी ट्रैक करती है कि आपने इससे पहले कौन सी वेबसाइट्स को विजिट किया और उनकी वेबसाइट को विजिट करने के बाद आपने कौन सी वेबसाइट्स को विजिट किया, ओके? Let an adult know if anything you read or see makes you feel worried or upset. अगर ऐसा कुछ होता है कि आपके पास कुछ ऐसा डेटा आ रहा है जिसको पढ़कर या जिसको देखकर आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं या अपसेट हो जाते हैं, इस केस में आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन अपने अडल्ट को देनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या अपने बड़ों को देनी चाहिए, ओके? Okay everyone, if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.